हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अच्छा मोटर वन। सो दिस इज़ द न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जो अभी हाल ही में ही लॉन्च हुई है और कंपनी इसके साथ बी रिबॉर्न का जो टैगलाइन है वो यूज़ कर रही है। वेल इस टैगलाइन को ये बाइक कितना जस्टिफाई कर रहा है वो तो इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक बात मैं आप लोग को रियली दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे जिस वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, मैं रिव्यूज़ नहीं ला पा रहा था, बट अब वापस से सब कुछ ट्रैक पे आना स्टार्ट हो गए हैं। सो होपफुली अब सब कुछ नॉर्मली अब जैसे पहले आता था वैसे आने लगेगा, टाइमली रिव्यूज़ आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट से इसकी जो लुक है वो पुराने वाले ही को बरकरार रखा गया है, बट इसमें अब और थोड़ा फ्रेश ये जो लुक है वो आपको लगेगा। जैसे इसकी जब आप हेडलाइट को देखोगे, इसकी जो हेडलाइट है वो अब थोड़ा और फ्रेश डिज़ाइन के साथ आपको देखने को मिलती है, और ओवरऑल जो पार्किंग लाइट्स वगैरह है वो आपको नॉर्मल वैसे ही येलो में ही देखने को मिलेंगे, हेलोजन ही आपको देखने को मिलेगा जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड इसकी भी जो हेडलाइट है उसकी भी आपको हेलोजन ही देखने को मिलती है, एंड इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे इस वाले बाइक की। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें इसके टायर सेटअप के बारे में, तो C8 के टायर्स लगे हुए मिलते हैं, जिसकी अगर हम साइज़ के बारे में बात करें तो 100x19 के यहाँ पे आपको व्हील देखने को मिलती है, एंड फ्रंट एंड रियर आपको दोनों में डिस्क देखने को मिलते हैं विद डुअल चैनल ABS। वैसे इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलता है, एक डुअल चैनल ABS और एक सिंगल चैनल ABS। प्राइसेस आपको यहाँ पे नीचे में शो हो रहे होंगे, तो प्राइस के अकॉर्डिंगली आप उसे चूज़ कर सकते हो। वेल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी जो ये वाली कलर है, ये मतलब जो क्रोम वाली जो कलर है, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कलर मुझे लगती है। एंड लिटरली मैं ये जो क्रोम और रेड वाला जो ये जो प्रॉपर जो मिक्सर है, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक देता है बाइक को। वेल अगर बात करें इस बाइक की साइड व्यू के बारे में, तो साइड से इस गाड़ी में आपको कोई चेंजेस ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली जो है इसकी व्हील बेस आपकी सेम है, बट जो गाड़ी की ओवरऑल जो लेंथ है वो पहले वाली गाड़ी के कंपैरेटिवली बढ़ गई है। एंड सीट हाइट के बारे में बात करें तो पहले इस गाड़ी की जो सीट हाइट थी वो 800 mm आती थी, बट यहाँ पे अब इसकी सीट हाइट 805 mm आ गई है। यहाँ पे आपको क्लासिक 350 का बैजिंग देखने को मिलता है। इसकी जो इंजन है यहाँ पे ये भी आपको चेंज किया गया है, इसमें आपको जो मीटियोर आती है रॉयल एनफील्ड की उसकी इंजन आपको यहाँ पे दी गई है, और जिसके बारे में अगर हम बात करें तो मीटियोर की इंजन मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगती है, तो उसी से मिलता जुलता यहाँ पे आपको इंजन देखने को मिलने वाली है। वेल यहाँ पे पावर फिगर्स और जो उसके बारे में अगर हम बात करें तो 20.2 BHP की आपको पावर देखने को मिलेगी, एंड 27 Nm का आपको टॉर्क देखने को मिलेगा। बिल्कुल सेम है मीटियोर 350 की ही तरह, तो पावर डिलीवरी वगैरह भी वहाँ पे आपको जो डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगी। पर बात करें इस बाइक की रियर सेक्शन के बारे में, तो रियर में आपको डिस्क लगा हुआ देखने को मिलता है। इसमें अगर रियर टायर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको C8 की टायर्स देखने को मिलती है, जिसके अगर टायर साइज़ के बारे में बात करें तो 120x80 के यहाँ पे आपको टायर्स देखने को मिलता है। एंड आपको रियर में डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स आपको दिए गए हैं, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर्स आपको मिलते हैं। मतलब सस्पेंशन सेटअप आपको प्रॉपर सेम है, उसमें आपको कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं करे गए हैं। यहीं पे अगर बात करें इस गाड़ी की सीट्स के बारे में, तो सीट्स इस बाइक की काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, आपको स्प्लिट सीट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो जो ड्राइवर की जो सीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, इवन जो पिलियन की जो सीट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है। एंड यहाँ पर आपको ग्रैबरल टाइप का कुछ दिया गया है। एंड रियर से अगर इस बाइक को चेकआउट करें तो रियर में आपको यहाँ पर जो टेल लाइट्स है इसमें आपको चेंजेस करे गए हैं, यहाँ पे आपको हेलोजन टाइप इंडिकेटर्स आपको दिए गए हैं, तो कुछ ऐसी लगती है ये टेल लाइट्स ऑन होने के बाद। वैसे ये जो टेल लाइट है ये आपकी हेलोजन में ही है, इसमें आपको कोई LED वगैरह नहीं देखने को मिलता है, ये आपको हेलोजन टेल लाइट ही देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बाइक की ओवरऑल जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो गई है, वैसे ये वाली जो कलर है बाइक की ओवरऑल जो खूबसूरती है उसे काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपको क्लासिक 350 लिखा हुआ देखने को मिलती है। एंड बात करें यहाँ पे इसके स्विच गियर्स के बारे में, तो स्विच गियर्स में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, मतलब इसमें जो आपको मीटियोर 350 है उसके स्विच गियर्स आपको यहाँ पे देखने को दिए गए हैं। क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, उसमें आपको कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे जो क्लच लीवर्स है इसे भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, एंड क्लच लीवर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इस साइड अगर हम आए तो यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट बटन दिया गया जो इंटीग्रेटेड है किल स्विच में ही, और यहाँ पे आपको हज़ार्ड लाइट देखने को मिलती है, जो कि अगेन एक सेफ्टी फीचर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बात करें इस गाड़ी की रियर व्यू मिरर के बारे में, तो रियर व्यू मिरर आपको वही सर्कुलर शेप में देखने को मिलती है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा रेट्रो लुक के साथ आता है। एंड सच में जो रेट्रो लुक है गाड़ी का उसे बरकरार रखा गया है। जो सबसे अच्छा चेंज मुझे लगा इस वाली बाइक में वो है इसकी ये स्पीडोमीटर कंसोल। आप देख सकते हो इसकी स्पीडोमीटर कंसोल पहले से बदल दी गई है, एंड काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लगता है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर दिया गया है, यहाँ पे आपको न्यूट्रल की लाइट दी गई है,
बाकी ओवरऑल जो लाइट्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, एंड यहाँ पे आपको फ्यूल मीटर वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ट्रिप देखने को मिलती है, एंड ओडोमीटर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। वेल यहाँ पे जो आपकी ये वाली बटन है उसे आप इसे टॉगल कर सकते हो, तो यहाँ पे अगर आप इसे दबाओगे तो यहाँ पे आपको क्लॉक देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको प्रॉपर ओडोमीटर देखने को मिलेगी। इसमें आपको दो ट्रिप कंप्यूटर्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं कंपनी की तरफ से। वेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी। बात करें यहाँ पे फ्यूल टैंक के बारे में, तो फ्यूल टैंक काफ़ी ज़्यादा ही आपकी वाइड है, और ओवरऑल जो लुक है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से दी गई है। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे मिस कर दिया कि इसकी ये वाली जो रॉयल एनफील्ड की जो लोगो है, ये अगर आप कॉन्टिनेंटल देखोगे या फिर इंटरसेप्टर देखोगे तो उस टाइप की आपको लोगो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये एक काफ़ी अच्छा चेंज है, और इसमें एक और एक रेट्रो चार्म जिसे आप बोल सकते हो उसे यहाँ पे दिया गया है। लेग गार्ड आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी देखने को मिलती है, तो यहाँ पे वो आपको दिया गया है। 5-speed ट्रांसमिशन ही रखा गया, उसमें आपको कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं करे गए हैं। वेल मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इस वाली बाइक में जैसे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी जो GPS जो टर्न बाई टर्न नेविगेशन वाला जो मॉड्यूल है वो आपको लगा हुआ नहीं देखने को मिलता है। वेल आप इसकी जो वेबसाइट है, जब आप इस बाइक को लेने जाओगे तो आप वहाँ से इसे ऑप्ट कर सकते हो इस वाली बाइक में। सो वेल ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बाइक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, एंड जो नया अपडेट दिया गया है, भले ही छोटा मोटा अपडेट है, लेकिन हाँ ये छोटा मोटा अपडेट जो कंपनी ये चीज़ कर रही है कि बी रिबॉर्न, उसे काफ़ी अच्छे से जस्टिफाई कर रहा है। जैसे इसकी जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है, ओवरऑल जो स्विच गियर्स की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, जो ओवरऑल जो लुक है गाड़ी की वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लगने लगी है। एंड कुछ ऐसे माइनर चेंजेस है जिस वजह से इस गाड़ी की जो डिज़ाइन है उसमें भी काफ़ी हद तक चेंजेस आए हैं। जैसे कि ये एक लोगो मैंने आपको बताया, या फिर ओवरऑल जो टेल लाइट्स है उसे अगर आप देखोगे तो वो एक बहुत ही अच्छा है यहाँ पे बात है। वेल अब मेरी क्या सोच है इस वाली बाइक को लेके कि क्या पुरानी वाली रॉयल एनफील्ड से ये बाइक कितनी ज़्यादा अच्छी है। मेरी क्या सोच है इस वाली बाइक को लेके, तो देखिए मैं एक ही चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि पुराने वाले बाइक में आपको काफ़ी तरीके की प्रॉब्लम्स, हालांकि आप उसे प्रॉब्लम नहीं बोल सकते हो, रॉयल एनफील्ड का ये पहले से ही आया है, वाइब्रेशन वगैरह आपको उसमें ज़्यादा देखने को मिलता था, या बहुत एक ही डिज़ाइन काफ़ी टाइम से चलते आ रहा था, उसमें कोई भी मेजर अपडेट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला था। चाहे आप उसके इंजन को ले लो या ओवरऑल जो छोटे मोटे जो चेंजेस की गई है अभी वाले बाइक में वो आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिले थे, तो एक डिज़ाइन काफ़ी टाइम से चलते आ रहा था तो लोग उसे देख के थोड़ा बोर होने लगे थे। वेल ये वाली जो बाइक है काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लुक के साथ आती है, लेकिन वही जो पुराना इसका रेट्रो चार्म है वो मेंटेन है। तो हाँ, मेरे हिसाब से आप ये वाली बाइक ले सकते हो, अगर आप पुराने वाले बाइक से कंपेयर करना चाह रहे हो तो आप ये वाली बाइक को आराम से ऑप्ट कर सकते हो, आपको कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। एंड दिस वॉज माई फुल रिव्यू ऑफ दिस दी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 2021 न्यू मॉडल। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताने कि आपको ये वाली बाइक कैसी लगी। अगर आप लोग को रॉयल एनफील्ड से प्यार है तो आप लोग एक लाइक तो ज़रूर मार देना इस वाली वीडियो में, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा। एंड अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनी बाइकों का, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो या इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, DM कर सकते हो, जो हैंडल वो यहाँ नीचे में शो हो रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर मैं डेली अपडेट्स ऐसे भी देते रहता हूँ। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। दिस इज HM Auto World साइनिंग ऑफ।